हेलो दोस्तों दोस्तों जनरली अगर हम एक 15,000 रुपीज़ के अराउंड ऑलराउंडर फोन ढूंढने जाए जिसमें आपको बढ़िया 5G का सपोर्ट, बढ़िया प्रोसेसर, बढ़िया कैमरा दोस्तों और बढ़िया डिस्प्ले के साथ आपको बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाए दोस्तों, ऐसा फोन ढूंढना वो भी ऑलराउंडर फोन आपको 15,000 रुपीज़ के अराउंड ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जनरली अगर हम देखें तो 15,000 रुपीज़ के अराउंड हमें फ़ोन कैसे देखने को मिलता है जिसमें आपको एक दो चीज़ बड़ी देखने को मिल जाएंगी, बाकी चीज़ों के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें बढ़िया कैमरा देखने को मिल जाता है तो हमें प्रोसेसर के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हमें इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा फोन देखने को नहीं मिलता जिसमें आपको ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। मैं 15,000 की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक मिडिल क्लास के बंदे के लिए 15,000 रुपीज़ जमा करना भी काफ़ी बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। अगर हम देखें तो 1-1.5 महीने जॉब करना पड़ता है 15,000 रुपीज़ जमा करने के लिए दोस्तों। इस बात को मैं रिलेट कर रहा हूँ इसलिए मैंने बताया, अगर आप रिलेट कर रहे हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों आपके लिए मैं लेके आया 15,000 रुपीज़ के अराउंड एक ऑलराउंड फोन, उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छे से वीडियो को लाइक भी कर लेना दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ जिसमें आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया देखने को मिल जाएगी, आपको बढ़िया 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा अंडर 15,000 रुपीज़ में दोस्तों। फोन का नाम है हमारा इन्फिनिक्स का Note 30 दोस्तों। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इन्फिनिक्स के फ़ोन की क्यों बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इन्फिनिक्स के फ़ोन भी आपको काफ़ी बड़े परफॉर्मेंस के साथ इस समय देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अगर हम देखें तो इन्फिनिक्स के ओवरऑल इंडिया आपको 1200+ आपको सर्विस सेंटर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों हम देखें तो इन्फिनिक्स के फोन अभी काफ़ी बजट प्राइस में काफ़ी बड़े परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलते हैं दोस्तों। बात करें इसके डिज़ाइन की तो डिज़ाइन के मामले में फोन आपको बॉक्सी फ्रेम के साथ देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों इसमें आपको बैक साइड में मैट के फ्रेम देखने को मिल जाएंगे, जो कि अगर आप डे टू डे यूज़ करते हो दोस्तों तो आपके फिंगर इसके ऊपर काफ़ी कमाने वाले हैं, जो कि बढ़िया बात है, आपको डे टू डे कोई इरिटेशन नहीं होंगे। भाई दोस्तों अगर हम बात करें मल्टीमीडिया के तो मल्टीमीडिया के मामले में इसमें आपको दोस्तों स्टेरियो स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो कि JBL के स्पीकर हैं। जनरली हमें इस प्राइस में मोनो स्पीकर यानी कि सिंगल स्पीकर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको Dolby Atmos के साथ दोस्तों आपको JBL के स्पीकर भी देखने को मिल रहे हैं। भाई दोस्तों अगर हम बात करें तो कनेक्टिविटी की, इसमें आपको 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसके साथ दोस्तों आपको 5G के 14 बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अगर हम जनरली देखें तो इस प्राइस में हमें 5G का सपोर्ट ऐसे देखने को मिलता है 10-12 बैंड देखने को मिलते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें हमें 14 बैंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि कनेक्टिविटी आपको काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, इसके साथ आपको 45W फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है दोस्तों, क्योंकि एक बजट फोन है। आपको इनबॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तों इसमें आपको बाईपास चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। इसमें आपको जनरली अगर आप गेमिंग करते हो इन चार्जिंग तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बैटरी को कोई हार्म नहीं होगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें डिस्प्ले की, अगर आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो दोस्तों आपके लिए फ़ोन काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.78 इंच की डिस्प्ले दोस्तों, जो कि फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है, जिसमें आपको 120Hz रिफ्रेश देखने को मिल जाएगा और इसके साथ आपको 518 nits की पीक ब्राइटनेस है। ब्राइटनेस आपको एवरेज देखने को मिल जाएगी, जो कि जनरली अगर आप डे टू डे यूज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इस फोन को यूज़ करते हो तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आपको ब्राइटनेस थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रोसेसर की तो प्रोसेसर के मामले में ये फ़ोन थोड़ा सा वीक है। अगर हम देखें तो इसके बाकी कंपार्टमेंट आपको काफ़ी बड़े देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों प्रोसेसर के मामले में फ़ोन थोड़ा सा वीक है। इसमें आपको मीडियम डायमेंसिटी 6080 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 3.6 लाख के अप्रोक्स आपको आंतरिक स्कोर देखने को मिल जाएंगे। वैसे दोस्तों इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको सबसे बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसमें आपको BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी बढ़िया तरीके से आप खेल सकते हो, लो सेटिंग्स पे अगर आप खेलना चाहो तो दोस्तों। अगर आप इसमें मल्टीटास्किंग करोगे, अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए फ़ोन ले रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको बढ़िया देखने को मिल जाएगी, आपको ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन में कैमरे की तो कैमरे के मामले में मैं कह सकता हूँ ये फ़ोन काफ़ी तगड़ा इस प्राइस रेंज का लगता ही नहीं है ये फ़ोन। अगर हम कैमरे के मामले में देखें दोस्तों हमें लगता है ये 20,000 के आसपास का फ़ोन है। अगर हम कैमरे के मामले में देखें इसमें आपको प्राइमरी कैमरा 108 MP का देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको 2+2 MP का सेटअप देखने को मिल जाएगा। अगर हम कैमरे क्वालिटी की बात करें तो कैमरे क्वालिटी आपको काफ़ी तगड़ा देखने को मिल जाएगा। अगर आप डे लाइट की बात करें तो डे लाइट में आपको जो इसके कलर्स हैं काफ़ी बड़े देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल दोस्तों इसमें आपको फ़ोन X के साथ आता है, जिसमें आपको कैमरे में काफ़ी ज़्यादा आपको सेटिंग्स भी देखने को मिल जाएगी। आप देखोगे दोस्तों आपको इसमें वीडियो भी आप पोर्ट्रेट मोड पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसमें आपको नाइट लाइट में भी फोटोज़ काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएंगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि इस प्राइस रेंज का लगता ही नहीं है कैमरे के मामले ये फ़ोन। दोस्तों अगर हम बात करें इस फोन में सॉफ्टवेयर की तो ये फोन आपको X के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड के 13 के साथ लॉन्च हुआ है। वहीं दोस्तों इसमें आपको ओनली 1 ईयर के मेजर अपडेट देखने को मिल जाएंगे और 2 ईयर के सिक्योरिटी पेच अपडेट, जो कि इस फोन की काफ़ी ज़्यादा बेकार बात लगी मुझे। सिर्फ एक चीज़ ही है दोस्तों जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार बात लगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे इस फोन का काफ़ी बढ़िया लगा। अगर हम देखें तो इन्फिनिक्स अगर आप अपने अपडेट के ऊपर थोड़ा काम करें तो ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो तो बिल्कुल इस फोन की तरफ जा सकते हो दोस्तों। मैं कह सकता हूँ कि ये फोन
फोन एक ऑलराउंडर फोन है अंडर 15,000। दोस्तों ओवरऑल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।